वो राघव के रणंजे थे, वो माधव के धनंजय थे, वो विरक्त संत थे, वो प्राणों की आहुति देने के लिए निकले थे। उन सब की कारण आज 22 जनवरी का दिन हम सबको देखने को प्राप्त होगा। के लो नमस्कार भूगोलों के, अभिनंदन लो आकाशों के, लो सात सागरों के प्रणाम, पदबंदन लो आकाशों के, तुमने ही पूरी अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई है, और समर बांकुरे राघव के तुमको 100 बार बधाई है। अब जिनके भाग्य में होगा वो इस ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनेगा, क्योंकि भगवान हमें चुन ले ये तो बहुत बड़ी बात है, हम भगवान को चुने ये बड़ी साधारण बात है। भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद दूंगी, और 500 साल का संघर्ष जिन पुरखों ने किया उनका पुण्य स्मरण करूंगी। कार सेवकों के बलिदान ने, कार्यकर्ताओं के संघर्ष ने, संतों के आशीर्वाद ने, और सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता की निरंतरता ने, और फिर इस देश के अंदर राजनीतिक अनुकूल वातावरण बनने की वजह से हम आज अपने सपने को साकार होता देख रहे हैं। मैं सब ज्ञात अज्ञात सबको उनको वंदन करती हूँ। वो राघव के रणंजे थे, वो माधव के धनंजय थे, वो विरक्त संत थे, वो प्राणों की आहुति देने के लिए निकले थे। उन सब की कारण आज 22 जनवरी का दिन हम सबको देखने को प्राप्त होगा। आपने सोचा था कि अपने जीते जी राम मंदिर बनते हुए देख पाएंगे? हम ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निराश तो हम नहीं थे, और क्योंकि भैया हम लोग तो पुनर्जन्म मानने वाले हैं। यात्रा जो है एक जन्म में पूरी नहीं होती तो दूसरे जन्म में होती है, लेकिन इस संघर्ष की जो प्रखरता थी, वो दैदीप्यमान जो ज्वाला थी, उसने जलाकर पूरे भारत में कुविचारों के कचरे को जलाकर भस्म कर दिया, और वो ज्वाला ऐसी तेजस्वी बना गई भारतीयों को कि हम भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं, हम मात्र भजन करने वाले भजनीय नहीं है। तो मैं उनका स्मरण करूंगी कि लो नमस्कार भूगोलों के, अभिनंदन लो आकाशों के, लो सात सागरों के प्रणाम, पदबंदन लो आकाशों के, तुमने ही पूरी अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई है, और समर बांकुरे राघव के तुमको 100 बार बधाई है। यदि राम मंदिर बन गया है, रामलला टेंट सब भव्य मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं निमंत्रण पर ही सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं निमंत्रण ऐसा नहीं होना चाहिए, सोनिया गांधी कुछ अलग कह रहे हैं, निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रही है। अब जिनके भाग्य में होगा वो इस ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनेगा, क्योंकि भगवान हमें चुन ले ये तो बहुत बड़ी बात है, हम भगवान को चुने ये बड़ी साधारण बात है।